शनिवार सुबह रामोजी ग्रुप के लिए दुखद खबर आई। दरअसल शनिवार तड़के 4:50 पर रामोजी ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव का निधन हो गया है। वो गिरते स्वास्थ्य की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें इसी महीने की 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामोजी राव एक बड़े कारोबारी थे। उन्होंने हैदराबाद में शानदार फिल्म सिटी बनाई है। यही नहीं, उनका मीडिया इंडस्ट्री में अच्छा खासा दखल रहा है। रामोजी राव के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि श्री रामोजी राव का निधन अत्यंत दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नए मानक स्थापित किए हैं। रामोजी राव भारत के विकास के प्रति बेहद भावुक थे। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी भारी संवेदनाएं हैं। हम बता रहे हैं रामोजी राव की नेटवर्थ और साथ ही साथ उनकी आमदनी के स्रोत क्या है। दरअसल मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि रामोजी राव की संपत्ति लगभग 4.7 अरब डॉलर से ज्यादा की है। अगर इसे रुपयों में बदलें तो लगभग 41,706 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आता है। उनकी मासिक आय $32,000 है, जो भारतीय रुपए में 26 लाख रुपए से ज्यादा है। उनकी आमदनी के कई स्रोत हैं। इसमें रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क, इनाइडो अखबार, डॉल्फिन ग्रुप्स ऑफ होटल, फिल्म प्रोडक्शन शामिल है। रामोजी राव हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक हैं। ये फिल्म सिटी 1,666 एकड़ में फैली है। यहाँ कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसे देखने के लिए हर दिन दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। स्थिति ये भी है कि कोई भी टूरिस्ट हैदराबाद जाए और रामोजी फिल्म सिटी ना जाए, उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस फिल्म सिटी से होने वाली कमाई रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव को ही जाती है। इसका टिकट का दाम लगभग 1,350 रुपए प्रति व्यक्ति है, लेकिन यहाँ टिकटों पर कई तरह के ऑफर भी मिलते रहते हैं। ईटीवी नेटवर्क, तेलुगु समाचार और मनोरंजन चैनलों का एक समूह है। उनके अध्यक्ष रामोजी राव ही हैं। ईटीवी की कई शाखाएं हैं, जो ईटीवी तेलुगु, ईटीवी प्लस, ईटीवी सिनेमा, ईटीवी आंध्र प्रदेश, ईटीवी तेलंगाना, ईटीवी अभिरुचि, ईटीवी लाइव जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती है। रामोजी ने कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया और 10 अगस्त 1974 को विशाखापट्टनम के पास स्थित एक छोटे से गांव नक्काविनीपालेम से इनाडू नाम से अपना समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। बाद में इनाडू का नाम बदलकर इनाडू रख दिया गया। आज ये ग्रुप एक बड़ा ब्रांड बन चुका है क्योंकि ये ज्यादातर स्थानीय समाचारों पर केंद्रित है। ये ग्रुप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी अच्छी पकड़ रखता है। इसका नाम है डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स, जिसके निर्देशक और संस्थापक रामोजी राव ही हैं। इस वेंचर की स्थापना उन्होंने साल 2 मार्च 1971 में की थी। ये राज्य का पहला 4-सितारा होटल था, जिसकी स्थापना एक प्राइवेट लिमिटेड होटल की श्रेणी में हुई थी, जिनके पास अपनी पूरी की पूरी फिल्म सिटी है। पर बात यह है कि जिनके पास पूरी की पूरी फिल्म सिटी हो, वो फिल्में नहीं बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, रामोजी का उषाकरण मूवीज नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी है। ये प्रोडक्शन हाउस ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म बना चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।